अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा को सौंपा ज्ञापन, जिसमें मांग की गई कि सूरत में कोचिंग सेंटर पर जो दुर्घटना घटित हुई है उसमें 20 बच्चे अपनी जान गंवा बैठे हैं। ऐसे घटना के पुनरावृत्ति गुना शहर में चल रही प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट पर न हो सके, इसके लिए प्रबंध किए जाए। बता दें कि गुना शहर में जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनमें कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। के अंदर जो हिदायतदार घटना उनको परसों देखने को मिली कि किस प्रकार एक तक्षशिला इंस्टीट्यूट जो वहाँ पर चल रहा था उसमें भीषण आग लग गई और 20 बच्चे अपनी जान से वहाँ पर हाथ गवा बैठे। तो वहाँ पर जो देखने को मिलता है कि प्रशासन द्वारा और कोचिंग द्वारा जो लगातार लापरवाही जा रही थी और सुरक्षा का जो कोई भी इंतजाम वहाँ पर पुख्ता नहीं था, इस वजह से बड़ी घटना वहाँ पर अंजाम हुआ। तो हमने आज माननीय एसडी महोदय से मांग करी है ज्ञापन के द्वारा गुना के अंदर भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन धड़ल्ले चल रहे हैं उन सब की जांच की जाए कि वो लोग जो सरकारी प्रशासन द्वारा जो नियम बनाए गए हैं गाइडलाइंस हैं उनके मापदंडों पर जो सुरक्षा के नियम हैं सही खरी उतर रही है कि नहीं उतर रही है। नहीं उतर रही है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और उन पर प्रतिबंध लगाया जाए अगर आवश्यक हो, तो इससे गुना के अंदर इस तरह की कोई भी घटना अप्रिय घटना कल को ना घटे।